जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना, फिर से नवी मुंबई के उलवे से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक एक्सक्लूसिव 1BHK का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन 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 थोड़ा सा जो है उलवे के बारे में फिर से आप लोगों के साथ ब्रीफ दे देता हूं, बिकॉज कई सारे लोग जो है इस चैनल पर नए आए हैं, कई सारे नए व्यूवर्स हैं, और अभी ऐसा है कि अटल सेतु शुरू हो चुका है, तो लोगों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि उलवे का वैल्यूज़ क्या है, उलवे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ जो है मैं पहले उलवे के ऊपर दे देता हूँ, फिर जो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ। दोस्तों, उलवे नवी मुंबई का सिडको का वो नोड है ना, जिसको स्टार्टिंग में या फिर शुरुआती तौर पर ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग सामने आई, जैसे जैसे सिडको की प्लानिंग सामने आई, तो डेफिनेटली उलवे को जो है एक अलग से अटेंशन मिलने लग गया। उसका रीज़न था सबसे बड़ा अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए मुंबई से एक ब्रिज प्लान किया गया, जो सीधा सीधा नवी मुंबई उतरेगा, और उसका सबसे पहला एग्जिट जो है वो उलवे में आता था। आज की डेट में 21 किलोमीटर का पानी के ऊपर बनाया हुआ अटल सेतु जो है वो शुरू हो चुका है, और मुंबई से लोग जर्नी शुरू करते तो मात्र सिर्फ 20 मिनट में जो है इस उलवे में लोग पहुंच जाते हैं। पहले ओल्ड रोड से अगर हम आते हैं तो मुंबई से इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, और वो एक्सपीरियंस सिर्फ चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। इसी रीज़न से उलवे में जो है मुंबई के काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि जर्नी जब शुरू करते तो पहला एग्जिट आता है, उतरने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो काफ़ी सारी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, और इसी रीज़न से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि प्राइसिंग भी जो मुंबई के कंपेरिजन में उलवे में अभी भी काफ़ी कम है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि नवी मुंबई को एक बेटर कनेक्टिविटी मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि बेलापुर से उरन तक जो एक नया रेलवे ट्रैक डाला जाएगा, या फिर नेरुल से बेलापुर तक जो है एक नया रेलवे ट्रैक डाला जाएगा। वो रेलवे ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में न्यूज़ में ये भी बात आई थी कि बेलापुर और नेरुल से जो है डायरेक्ट सीधा सीधा उरन के लिए लोकल रेलवे शुरू हो चुकी है। अगर हम नेरुल से उतरते तो सिर्फ तीसरा स्टेशन जो है उलवे आता है। उलवे में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, पहला है बामन डोंगरी और दूसरा है खारकोपर, और इन्हीं स्टेशन से जो है लोकल ट्रेन आज के डेट में नेरुल तक या फिर बेलापुर तक जाती है, जिसके जरिए आप डायरेक्ट पनवेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप CSMT को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है थाने को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में उरन से CSMT, थाने और पनवेल, ऐसी जो है डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी। हालांकि अभी के लिए फ्रीक्वेंसी कम है, बट डे बाय डे जो है ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, जिसके थ्रू लोगों का एक्सपीरियंस डेफिनेटली मुंबई थाने पनवेल इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। लेकिन बातें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उलवे के पास ही नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1.5 से 2 साल में जो है वो कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद भी जो है एक बेटर एप्रिसिएशन जो है उलवे में हमें देखने मिलेगा। हालांकि अभी के लिए उलवे में जो है प्राइसिंग थोड़ी बेटर एप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रोजेक्ट है ये आता है उलवे के सेक्टर 25A में, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है G+7 का, जिसमें हमें एक्सक्लूसिव 1BHK देखने मिलते और साथ ही साथ जो है कमर्शियल शॉप भी देखने मिलेंगे।
तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो 11 मीटर वाइड रोड पे आता है। प्लॉट की अगर साइज की बात करें तो 630 स्क्वायर मीटर का जो ये प्लॉट है, जिसके ऊपर G+7 का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें हमें एक्सक्लूसिव 1 BHK देखने मिलने वाले हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ जो है सारे कमर्शियल्स देखने मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें 2 एंट्री गेट मिलने वाली है और इस कमर्शियल के पीछे ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सारा स्पेशियस जो है वो पार्किंग स्पेस भी देखने मिलेगा। तो अभी हम चलने वाले अंदर, सबसे पहले जो है आपके साथ 1 BHK शेयर करता हूँ, बाकी की डिटेल्स जो है वो आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा पार्किंग का स्पेस जहाँ से अभी मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहा हूँ। अच्छी बात क्या है तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है ब्रिक्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमें फ्लैट का लेआउट जो है थोड़ा सा समझने में हेल्प होगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे हालात में जो वीडियो शूट करते हैं तो एक लाइक और कमेंट तो है इस मेहनत के लिए ज़रूर बनता है। चलिए सबसे पहले जो है थोड़ा सा फ्लोर प्लान बता देता हूँ, फिर जो आपको फ्लैट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थे वो स्टेयरकेस जिसके ज़रिए जो है मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद एग्जैक्टली ये वाला जो एम्प्टी पोर्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है आपकी लिफ्ट। तो ऐसा कुछ वाइड स्पेस जो है हमें लॉबी में देखने मिलता है। इस तरफ जो है आपका फ्लैट आने वाला है, इस तरफ फ्लैट आने वाला है और सामने की तरफ भी जो है ना वो फ्लैट हमें दिखाई देते हैं। पहले जो है हम एक फ्लैट देख लेते हैं, धीरे 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 जो है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते रहूँ। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैंने पहले ही शेयर किया था कि ब्रिक्स वर्क जो है फर्स्ट फ्लोर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो 2 फ्लैट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। फिलहाल हम जो है इस वाले फ्लैट में चलते हैं। तो अभी जहाँ पे मैंने स्टेप इन किया है ये है हमारा लिविंग रूम, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का है। इसके लिए अच्छी बात हमारे साथ क्या हो रही है तो बाहर की तरफ जो है थोड़ा बड़ा सा बालकनी हमें यूज़ करने मिलता है, बिकॉज नीचे जो कमर्शियल है उसका छज्जा भी जो इसमें ऐड होता है, जिस वजह से थोड़ा सा स्पेशियस वाला दिखने मिलता है। ऊपर हम जाते हैं सेकंड फ्लोर के बाद तो इतना ही, मतलब ये जो आपको पहला स्लैब दिख रहा है इसके लेवल के ही आपको जो है वो बालकनी देखने मिलेगी। वैसे प्राइसिंग भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का जो लिविंग रूम देखने मिलता है, इंक्लूडिंग दी बिग साइज फ्रेंच विंडो। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है किचन। किचन के बाहर भी यहाँ पे इस तरफ फ्रेंच विंडो देखने मिलती है, उसके बाहर भी हमें छोटा सा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है तो यहाँ पर जो है हमें शावर एरिया इंडिविजुअल देखने मिलता है, साथ ही साथ WC भी अलग से देखने मिलता है। जनरली अभी जो नए कॉन्सेप्ट आए उसमें क्या हुआ है, हमारा शावर एरिया और WC जो है एक साथ दिया जाता है, लेकिन जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं ना, तो लोगों को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। वैसे यहाँ से इस डोर से जो है हमारा बेडरूम शुरू होता है। बेडरूम में एंटर करते ही यहाँ से जो है हमारा फ्रेंच विंडो शुरू होगा, बाहर की तरफ जो है एक छोटा सा स्पेस अवेलेबल होता है। तो कुछ इस तरीके का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें इस 1 BHK के लेआउट में देखने मिलता है। तो दोस्तों इस तरफ का जो है आपको मैंने 1 BHK दिखा दिया, लेकिन थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इस तरफ का भी दिखा देता हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो उस वाले 1 BHK में और इस वाले 1 BHK में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज ये एग्जैक्टली उस फ्लैट का मिरर रिफ्लेक्शन है। तो इस तरफ भी हमें हम देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस जो है बाहर की तरफ देखने मिलता है, बड़ा सा फ्रेंच विंडो देखने मिलता है, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर टाइप का जो है लिविंग रूम देखने मिलता है। वैसे इस तरफ जो है आपका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है, इस तरफ आप सिटिंग बना सकते हैं और उसके बावजूद आपके पास बाहर का भी स्पेस अवेलेबल रहने वाला है और बड़ा सा विंडो भी अवेलेबल रहने वाला है। इस तरफ फिर से हम थोड़ा सा एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंजेस देखने मिलता है। तो उस वाले फ्लैट में हमने देखा था कि जो शावर एरिया था और जो हमारा WC था वो ऐसे क्रॉस में था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट एक ही लाइन में है वो इंस्टॉल किया हुआ है या फिर सेटअप लगाया हुआ है। वैसे एग्जैक्टली इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमें लिविंग रूम देखने मिलता है और इस लिविंग रूम के यहाँ पर भी जो है फ्रेंच विंडो देखने मिलती है, बाहर की तरफ भी हमें स्पेस अवेलेबल हो जाता है। वैसे आगे हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे जो है ये हमें बेडरूम देखने मिलता है। एग्जैक्टली यहाँ पर जैसा हमने बेडरूम देखा था वैसे ही टाइप का बेडरूम यहाँ पर भी देखने मिलता है, इंक्लूडिंग द फ्रेंच विंडो, बाहर की तरफ छोटा सा स्पेस। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने वाला है। सिर्फ चेंजेस क्या होगा, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो बाहर की तरफ की जो बालकनी वो थोड़ी सी जो है आपकी छोटी हो सकती है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर जो है ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया है, पर थोड़ा वीडियो के साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी अपडेट हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको फर्स्ट के बाद में सेकंड स्लैब और जो थर्ड स्लैब है वहाँ पर भी लेके चलूँ। तो अभी जो है ये सेकंड स्लैब है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगे हैं ये कास्टिंग करने के टाइम पे लगता है। ये कास्टिंग होने के बाद इसके ऊपर जो है मटेरियल पोरिंग होता है, फिर चाहे वो सीमेंट हो, खड़ी हो, रेती हो या फिर वो लोहे के पाइप्स हो, वो सब इंस्टॉल होने के बाद इसके ऊपर जो स्लैब किया जाता है, पूरा स्लैब होने के बाद
काफ़ी टाइम सूखने के बाद जो इसको रिमूव किया जाता है, फिर वो स्लैब जब सूख जाता है उसके बाद में आगे का स्लैब प्लान किया जाता है। चलिए हम चलते थोड़ा सा ऊपर। तो दोस्तों तीन स्लैब जो है इसके हो चुके हैं, फोर स्लैब का जो कास्टिंग होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं पिलर का जाली, हम कह सकते हैं वो जाली रेडी किया जाता है और ऐसा जो है लकड़े का एक फर्मा बनाया जाता है जिसको उसके ऊपर इंस्टॉल करके जो है मटेरियल इसमें फोर होता है और जब ये सूख जाता है तो उसको निकाला जाता है और वो निकलने के बाद एग्जैक्टली ऐसे पिलर जो है हमें मिलते हैं और इस पिलर्स के ऊपर फिर से जो है प्लान किया जाता है हमारा स्लैब। तो हम देख सकते हैं अभी के लिए जो है थर्ड स्लैब इनका कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ स्लैब का जो है वो कास्टिंग शुरू होने वाला है। तो एग्जैक्ट जो फर्मा मैंने आपको बताया था वो कुछ इंस्टॉल करने के बाद लगाने के बाद जो है कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर जो है पूरा मटेरियल पोरिंग होता है। जब ये सूख जाता है तो इसे खोला जाता है और बाद में जो है पिलर हमें देखने मिलता है। ये तो सिर्फ आपका नॉलेज अपडेट हो सके उसके लिए शेयर किया। वैसे आगे जो है अब आपके साथ प्राइसिंग जो है वो शेयर कर देता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूँ और बिल्डर का एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये जयदेव लाइफ स्पेसेस का है। इनका 7 से 8 साल का जो है एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में और इतने ईयर्स में जो है इन्होंने अब तक 10 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। इनके इसी लोकेशंस पर कई सारे आपको जो है रेडी प्रोजेक्ट्स भी देखने मिलेंगे। सामने की तरफ जो वो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो जो है OC रिसीव प्रोजेक्ट है। इसी लाइन में जो है और एक दो प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेंगे। जिनको ऐसा होता है ना कि कंस्ट्रक्शन शुरू है लेकिन कैसे कंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड होने वाला है, क्या क्वालिटी मिलने वाली है, तो उनके लिए एक बेटर एग्जाम्पल जो सामने देखने मिलता है उस वाले फ्लैट में या फिर प्रॉपर्टी में जाके आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का फील ले सकते हैं। वैसे अभी जो है इस प्रोजेक्ट की हम बात करना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट में 1 BHK शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ 38 लाख रुपीस प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से। फ्लैट के जो है साइजेस सारी अलग अलग है। जब भी आप साइट विजिट के लिए आओगे, पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करोगे, यूनिट चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन जो है अकॉर्डिंग टू चॉइसेबल फ्लैट वो जो है आपको यहाँ पे ही शेयर किया जाएगा। अभी जो प्राइसिंग आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। वैसे जो कमर्शियल इसमें प्रोवाइड किए हैं उसमें एक दो ही कमर्शियल इनके पास अवेलेबल है, प्राइसिंग जो है उसकी फैच हो नहीं पाई है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कमर्शियल में इंटरेस्ट है तो जो स्क्रीन पे नंबर पॉपअप हो रहा है वो डायरेक्ट उन्हीं का नंबर है, उन्हें आप कॉल कर सकते हैं, शॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे साइट विजिट भी अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी वो असिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इवन आपको कुछ भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है या फिर आप मोबाइल पे आपके PDF मंगवाना चाहते हो तो भी उसी नंबर पे जो आपको कॉल करना है आपको जो है सारी असिस्टेंसी जो है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी। वैसे ये प्रोजेक्ट जो है सिडको का CC रेसिव प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुका है और इस प्रोजेक्ट का जो है रेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो आपको किसी भी बैंक से अगर लोन करवाना है तो सारे बैंक से जो है इस प्रोजेक्ट पर लोन पॉसिबल है। तो स्क्रीन पे मैंने नंबर शेयर कर दिया है, जयदेव लाइफ स्पेसेस को जो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और अपनी साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, डिटेल जो आप मंगवा सकते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगा है तो जय हिंद जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।